मैं लोगों से जरूर कहना चाहूंगी कोई अपने बच्चों को ना भेजो यही भीख मांग के ग्वालो ना भेजो। मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सबसे कर रही हूँ रिक्वेस्ट, डोंकी के जरिए ना भेजो, बस बिल्कुल ना भेजो। मैं जैसे दिन रात तड़प रही हूँ भगवान के आगे हाथ लगा के सबके आगे भीख मांग रही हूँ, मेरा बेटा तो दे दो, मेरा बेटा, मेरे पति को पैरालाइज है, हमारा कोई कमाने वाला भी नहीं है, कर्जे में दूल्हे पड़े, हमारा कोई नहीं है। पहले वाले बेटे को ब्याह से लड़के लेके थे, नहर में डुबो के मार दिया था, मेरी पहले भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी। मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है, मेरा बच्चा दी एक महीना हो गया, मैं दिन रात तड़प रही हूँ, रो रही हूँ, मैं चाहती हूँ ना वो उल्टा मेरे को धमकाते हैं कि तेरा बेटा तो कुछ भी नहीं बताता है, कहीं पुलिस वालों के पास जाओगे तो हम पुलिस में पैसा कमा देंगे, उन्होंने मेरे से एक एफिडेविट भी लिया था कैसे मेरे लड़के को वो करके। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। एक परिवार किस तरह से रोता बिलखता हुआ करनाल के SP के पास आज दूसरी बार पहुंचा। एक माँ रोते हुए अपने बेटे को वापस लाने की पुकार कर रही है, क्योंकि डोंकर ने, जो लोग डोंकी के जरिए बच्चों को बाहर भेजते हैं, उन्होंने इनके बच्चे को गायब कर दिया है। वो जर्मनी जाना चाहता था, एजेंट को पैसे भी दिए थे, लेकिन पैसे देने के बावजूद इनके बेटे को गायब कर दिया गया। कुल 12 लोग थे जो बेलारूस के जरिए जर्मनी में जाना चाहते थे डोंकी के जरिए, लेकिन 11 लोग बताए जा रहे हैं कि वापस आ चुके हैं, लेकिन इनके बेटे को गायब कर दिया गया है। एजेंट कुछ बता नहीं रहे, कुछ पैसे वापस दे दिए, लेकिन बेटा वापस नहीं आया। आप देख सकते हैं कि बंदूक की नोक पर किस तरह से लोगों को वहां पर डोंकी के जरिए विदेश में सेटल करने के सपने दिखाए जाते हैं, और वहां पर बंदूक की नोक पर उसके बाद इन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है कि और पैसे भेजिए, लेकिन ये परिवार पूरे पैसे दे चुका था। और किस तरह से माँ बाप अपने बच्चे के लिए रोते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक बेटा पहले, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी भी मौत हो चुकी है, और दूसरा बेटा भगवान के पास है या डोंकर के पास है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे अपने पिता की मांग कर रहे हैं कि मेरे पिता को वापस लेके आया जाए। छोटे छोटे बच्चों को, यानी अपने पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बहुत सपने दिखाकर जो इस तरह से एजेंट लोगों को डोंकी के जरिए विदेश भेजने के दावे करते हैं, उनका ही एक प्रताड़ित परिवार इस समय यहां पर मौजूद है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। जो डोंकी के जरिए विदेशों में जाना चाहते हैं, वो इस खबर को जरूर देखें और शेयर जरूर करें। माताजी, क्या बात होगी, क्यों रो रहे हैं आप, बच्चा कहाँ है आपका? मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है, मेरा बच्चा दी एक महीना हो गया, मैं दिन रात तड़प रही हूँ, रो रही हूँ, मैं चाहती हूँ ना वो उल्टा मेरे को धमकाते हैं कि तेरा बेटा तो कुछ भी नहीं बताता है, कहीं पुलिस वालों के पास जाओगे तो हम पुलिस में पैसा कमा देंगे, उन्होंने मेरे से एक एफिडेविट भी लिया था कैसे मेरे लड़के को वो करके, कहते कि भाई एफिडेविट दे अपना, मेरे से साइन करा लिया। फिर वो मैंने जो उसका जो मैंने असली उनको वो नहीं दिया था, वो मेरे से पुलिस वाले ने कर लिया फोटोकॉपी। का कितनी उम्र है, कैसे इनके झांसे में आ गया बेटा, कहाँ जाना चाहता मेरा बेटा, सब पता नहीं कैसे झांसे में आ गया। मैं खुद, मेरे बेटे का नाम है अश्विनी कुमार। कितने साल का है? हाँ जी, वो 32-33 साल का है। ये फोटो बेटे की है? हाँ जी, ये फोटो मेरे बेटे की है। बेटा कहाँ है आपका? बेटा होता तो मैं रोती भी ना, मैं दिन रात तड़प रही हूँ, उनसे अपना बेटा मांग रही हूँ, मैं कहा पैसे रख लो, तुम कुछ मर्जी और भी ले लो, मैं मकान गिर भी रख के भेजा था। तो मैंने कहा मेरा बेटा तो मेरे को लुटा दो, वो यहाँ से ले गए थे मास्को से बेलारूस से वहाँ पे जर्मन की डोंकी मरवा रहे थे। फिर जब मेरे से डोंकी नहीं लगी, फिर जब उन लड़कों से मैंने पूछा मेरा बेटा कहाँ पे, पीछे रूम वालों से, फिर वो कभी कहते भाई ये वहाँ पे है जंगल में है, कभी कहते हम वहाँ पे अभी भेज रहे गाड़ी में, कभी कुछ ऐसे ला रहे देते। कौन है लड़का जिसको बंदूक की नोक पे रखा हुआ है? ये उन्हीं में से एक लड़के है, जैसे 20-20 लड़कों को वहाँ पे रखता था। एजेंट का क्या नाम है? एजेंट का नाम है रामपाल। और कोई भी है उसके साथ? उसके साथ हाँ जी है, एक बिटू नाम का है, बिटू नाम का है, जो मेरे में से कोई उसके जो पैसे हाँ जी लेता है यहाँ पे, जो पैसे लेते हैं उसकी घरवाली है, उसका भाई है। क्या नाम है उनके? उसकी घरवाली का नाम है मीना, मीना
तो आप पुलिस को, जैसे ये देखिए आपके पास शिकायत है कि 2 अप्रैल को भी आप एक शिकायत देकर गए थे, आज फिर एसपी से मिलने आए, कुछ हुआ अभी तक इस पे? कुछ भी नहीं कार्रवाई हुई, कुछ भी नहीं। उल्टा पुलिस वाला कहते हैं हमारे को कि भाई ये तो बाहर भेजने का मामला है। मैं कहा बाहर भेजने का मामला है, मेरा बेटा तो यही ले गया ना। मैं कहे मेरे जिम्मेवार तो ये थे, मैं कौन सा जानती थी इनको। अगर ये पैसे ना गिरवाते मेरे घर ना आते जाते, मैं कौन सा इनके घर गई थी। कोई मदद नहीं कर रही पुलिस, कोई मदद नहीं कर रही मेरी। लोगों से कुछ कहना चाहोगे जो डोंकी के जरिए? हाँ, मैं लोगों से जरूर कहना चाहूंगी, कोई अपने बच्चों को ना भेजो, यही भीख मांग के खुवा लो, ना भेजो। मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सबसे कर रही हूँ रिक्वेस्ट, डोंकी के जरिए ना भेजो, बस बिल्कुल ना भेजो। मैं जैसे दिन रात तड़प रही हूँ भगवान के आगे, आस लगा के सबके आगे भीख मांग रही हूँ, मेरा बेटा तो दे दो, मेरा बेटा, मेरे पति को पैरालाइज है, हमारा कोई कमाने वाला भी नहीं है, कर्जे में दूल्हे पड़े, हमारा कोई नहीं है। पहले वाले बेटे को ब्याह से लड़के लेके थे, नहर में डुबो के मार दिया था, मेरी पहले भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी। एक बेटा पहले खो चुके हो? खो चुके। दूसरे बेटे का? दो बच्चे उसके हैं, दो बच्चे इसके हैं। अश्विनी को वापस? हाँ वापिस मंगाओ, मेरे को बस कुछ नहीं चाहिए, किसे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ ले लो, मेरा बच्चा दे दो मेरे को, मेरी मदद करो, मैं सबसे गुहार लगा रही हूँ, उस दिन से तड़प रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा संतोष। संतोष जी, बेटा आपका है, दिखने में सुंदर है, काम करता था यहाँ पर, क्या सपने लेकर गया था, क्यों भेज दिया आपने विदेश? क्या करे, नहीं रुकते बच्चे क्या करे। एक दुकान थी, एक मकान था, सब गिरवी रख के मैंने भेज दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चे का सपना है, क्या करे। मेरे को तो मेरा बेटा दिवा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए बस। आप देख सकते हैं कि एक माँ रोती हुई अपने बच्चे को वापस लाने की गुहार लगा रही है, और इनका रोना भी कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि एक बेटा है वो पहले ही ये खो चुकी है। बताया जा रहा है कि उसकी भी हत्या हो गई थी और कोई कार्रवाई उस पर भी नहीं हुई जो जिनके ऊपर वो आरोप लगा था। और ये देखिए, जब डोंकर साथ ले जाते हैं तो इस तरह बंदूक की नोक पर इन लोगों को डराया जाता है। ये उन लोगों का हाल होता है जो डोंकी के जरिए विदेश जाने का सपना देखते हैं, वहां सेटल होने का सपना देखते हैं। इनके पिता हमारे साथ मौजूद है। भाऊ जी, बच्चा जब गया था सपने बहुत होंगे कि बेटा जाएगा बाहर, विदेश में सेटल होगा, कमाकर 2 पैसे भेजेगा। 6 महीने से बच्चे का भी कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता जी, घर घर के उन्होंने ठोकर खिला दी हमारे को, घर घर के ठोकर खिला दे, धमकी देते हैं, बंदूक के नोक पे एक आदमी को रख रखा, 11 आदमी उनके पास ही अभी कमरे में बंद है। जो ये लड़का है ना जी, एक लड़का हो रहा है जिसने हमारे से कॉन्ट्रैक्ट रखता, जो लड़का हमारा फोन नंबर देके गया था भाई, अगर कोई 19-20 बात हो जाते तो इस लड़के से कॉन्ट्रैक्ट रखना। पुलिस कुछ कार्रवाई कर रही है? ना नहीं कर रही जी, बिल्कुल भी। पुलिस कहती है अपनी औकात में रहो। नहीं, पुलिस ने कुछ नहीं बोला। हाँ, पिछले पिछली बार की बात छेड़ो। नहीं तो पिछली जब आप आज आए हो एसपी साहब से मिलने, कब से बैठे हो यहाँ पे? अभी 1 घंटा, घंटा डेढ़ घंटा हो गया। 1 घंटा? हाँ जी। सीएम साहब से कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, हम कहना चाहेंगे क्यों हमारे वोट है, आप हमारे से वोट लेने आते हो, हमारी मदद क्यों नहीं करते। मैं भी बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, क्यों हमारे को बुलाते हैं भूखे प्यासे, सात सात दिन हम वहाँ पे बैठते हैं, फिर हम धक्के खाते हैं, मेरे घर कुछ भी सुनाई नहीं होती, मेरे बिल रुके पड़े, मेरा सब काम ठप हुआ पड़ा, दुकान है छोटी सी जो हम रेडी लगाते हैं, वो भी ये घर बैठे हैं बीमार हुए पड़े, हम कहाँ से बच्चे पाले, मेरा बेटा दिवा दो बस। मैं तो सबके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, बार बार रिक्वेस्ट डाल रही हूँ, उनके आगे भी जोड़े 1 महीने से मैं दिन रात भाग रही हूँ, पिछले 14 तारीख से मेरी लड़के से कोई बात नहीं हुई, बिल्कुल कोई बात नहीं। क्या लग रहा है आपको, बच्चा गायब कर दिए, क्या हुआ? मुझे तो लग रहा है मेरा लड़का इन्होंने मार दिया है, मुझे नहीं लग रहा, या बंद इनके पास किडनैप है। हाँ जी, डॉक्टरों ने भी रामपाल ने भी, हाँ जी, मार दिए, मुझे नहीं भरोसा। तो आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार इस समय काफी परेशान है, और एक माँ किस तरह से रोते हुए नजर आ रही है क्योंकि बेटा गायब हो चुका है। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये दूसरी बार आज करनाल के एसपी के पास पहुंचे, पहले भी ये शिकायत दे चुके हैं, आज दूसरी शिकायत देने के लिए यहां पर पहुंचे हैं ताकि इनकी सुनवाई हो सके। और एक माँ किस तरह से बार बार रोती हुई हर एक से ये अपील कर रही है कि मेरे बेटे को कोई तो ऐसा शख्स हो जो वापस ला दे, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर बच्चा गुम हो चुका है या उसके साथ कोई घटना दुर्घटना हो चुकी है तो परिवार को उसके बारे में जरूर पता हो। ऐसा भी क्या कि सितंबर से गया हुआ लड़का उसके बारे में आज तक
कोई जानकारी नहीं है। 8 लाख रुपए इन्होंने एजेंट को दिए थे, बता रहे हैं कि 3 लाख इन्हें वापस भी मिल चुके हैं, लेकिन बेटा वापस चाहिए, पैसे इन्हें नहीं चाहिए। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग डोंकी के जरिए विदेश में जाने की सोचते हैं वो इस खबर से जरूर सबक लें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे मामले हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पाते, लेकिन बहुत सारे मामले जिनके रिपोर्ट होने के बावजूद जो लोग हैं वो विदेश में डोंकी के जरिए जाना चाहते हैं, लेकिन ना तो बच्चा कभी वापस आ पाता है, ना विदेश पहुंच पाता है, और परिवार इस तरह से रोता बिलखता हुआ रह जाता है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद।